बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है न्यूक्लियस का, सॉलिड सब्सटेंसेस का किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाना, उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेट होना। जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट, पेपर में एक एमसीक्यू बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, गौर से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिया आपको, ये ड्यूटेरियम है और ये सल्फर है। हम कहेंगे ये दोनों डिसइंटीग्रेट हुआ यहां पर, ये आपके पास क्लोरीन है फिफ्टीन और 35 का, इसको आपने फिल करना है। इसे आप ले लीजिए हीलियम 24, इसको फिल कीजिए। यानी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन देंगे और कहेंगे इसको फिल करके दीजिए। जैसे एग्जांपल H12+H13 और हम दे देंगे -+ न्यूट्रॉन, इसे फिल करके दीजिए। तो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा बैलेंस्ड होता है। जिस तरह केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल बैलेंस्ड होता है, इस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर या मास नंबर बैलेंस्ड होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बैलेंस्ड। अब इसको कैसे फिल करोगे, कैसे चूज करोगे, ये देखो ये 16 है, ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 लीजिए, तो ये 17 है, ये कितना 18, कितना रह गया 1। तो आपने लिखा कि यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। मास नंबर कितना है, 32+4 36, ये मास नंबर कितना है 35, कितना बच गया एक। तो अब जो चार ऑप्शन गिवन होगा, देखिएगा उसमें 1 1 यानी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 किसके साथ लिखा है, जिसके साथ लिखा है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑब्वियसली वो किसके साथ लिखा हुआ होगा, हाइड्रोजन के साथ। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर कितना है 2, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का यहाँ पे कितना है 0, कितना रह गया 2, तो एटॉमिक नंबर 2। मास नंबर 325, यहाँ पर कितना है 1, कितना रह गया 4। आप देखेंगे चार ऑप्शन जो गिवन है उसमें 2 4 किसके साथ है, तो ऑब्वियसली वो किसके साथ होगा, हीलियम के साथ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी पेपर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ये मेथड आपको आना चाहिए, मेथड आएगा तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हम आपको देंगे तो उसका आंसर आप ढूंढ सकते हो। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ये बताइए कि जब एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम है 92-235, इस पर न्यूट्रॉन से अटैक करोगे तो बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा। इसमें से एक का एटॉमिक नंबर 36 और दूसरे का 56 होता है, इसके मुकाबले में बड़े छोटे न्यूक्लियस हैं। 3 न्यूट्रॉन एमिट होता है और तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो हैवी न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन।
याद रखिएगा स्टूडेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब है कि एक मरतबा रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये रिएक्शन चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम लोग रिएक्शन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। ये एटम बॉम्ब का रिएक्शन भी है। इसलिए स्टूडेंट ये बताइए कि न्यूक्लियस अगर फॉर्म होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस का रिएक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दो छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं, जैसे H12+H12, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स बनेगा, इसके अलावा नॉर्मल हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन की फॉर्मेशन होगी और तकरीबन 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। तो छोटे न्यूक्लियस का मिलकर हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करना, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। स्टूडेंट याद रखिएगा, फ्यूजन रिएक्शन चेन रिएक्शन भी नहीं होता। इस रिएक्शन का दूसरा नाम रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब है, इसे हम लोग रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस चैप्टर में, जिस चैप्टर को फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड MCQs हैं। इस चैप्टर के में जितनी कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब अगले सेगमेंट में वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं जो इस चैप्टर से लर्निंग बेस्ड होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके।